प्योर केड़ वाले ऐसा बनिए तो रेसलमेनिया 40 का एक फिनिशर जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, ना 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 मैं सुपर क्रॉस रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोडी रोड्स ने रोमन को लगा, ना 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 मैं भाई बात कर रहा हूँ द डेड मैन अंडरटेकर के रिटर्न के बाद जो स्लैम जो रॉक को लगी थी भाई साहब, अलग ही सेगमेंट था वो, गजब का मूवमेंट था ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 40 में क्रिएट किया। तो क्या तीन रॉक मिल के तीन अंडरटेकर को हरा पाएंगे? तो यार रियल में तो ये मैच पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि टेकर से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब शायद लड़ने की हालत में भी नहीं है, लेकिन अपनी WWE की दुकान में भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी जल्दी फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। उसके बाद लाइव गेम प्ले जो है ना, लाइव गेम प्ले स्टार्ट करेंगे हम लोग और टीकर सर का देखना भाई कितने ज्यादा असरदार रहते हैं। और टीकर पहला फिनिशर, टीकर सर ने सुपर फिनिशर लगाया, आई थिंक टीकर सर ने सुपर फिनिशर लगाओ भाई 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 टीकर सर ने आते आते तबाही मचा दी भाई साहब। मतलब रेसलमेनिया 40 का सेगमेंट अब भी चालू है भाई, टीकर सर फॉर्म में और अब तो फिनिशर लग ही गया भाई, सुपर फिनिशर। एक जो रॉक जो है उसकी भाई हेड ऑरेंज हो चुका है, तो गजब यार टेकर सर मजा आ गया। पहला ही सुपर फिनिशर देके ना ऑडियंस को मजा दिला दिया भाई टेकर सर ने, ये तो बात माननी पड़ेगी। और ये ओल्ड स्कूल भाई, ये कोई फिनिशर है सिग्नेचर नहीं है इस वाले 2K24 में, 2K23 आई थिंक था। और नीचे एक टेकर सर ने भाई अपने स्ट्रैप्स उतार दिए, तो मुझे यार स्ट्रैप्स भाई तीनों के उतरते हुए देखने, और सेकंड वाले ने भी स्ट्रैप्स हटा दिए। ओ भाई साहब 2K24 में गजब की यार दे रखे हैं। ये टेकर सर क्या करना चाह रहे थे, एक सुपर फिनिशर, ना 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 ये नॉर्मल फिनिशर, लेकिन टोमस्टोन पाइल ड्राइवर भाई रॉक एलिमिनेट। ओ भाई साहब गजब हो गया, अब हॉलीवुड वाले रॉक आ चुके हैं, लेकिन टेकर सर भाई रनिंग क्लोज लाइन और दूसरे वाले पुराने वाले रॉक भी पिटी रहे हैं भाई बुलडॉग, कोई दिक्कत नहीं। टेकर सर एक तो एलिमिनेट कर ही दिया है तो जीतने के चांसेस और ज़्यादा हो गए। एक रॉक बॉटम भाई रॉक ने भी लगाई दी है, अब यार मतलब कुछ तो यार रॉक भी लगाएंगे आखिरकार, इतने भी लूल की लड़ी नहीं है भाई रॉक जो तुम समझ रहे हो। ना 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 रॉक यार सही प्लेयर है यार, लूल नहीं है भाई। अब माना थोड़ा सा उसकी इमेज जो है नेगेटिव कर दी है ट्रिपल एच ने, लेकिन भाई रॉक वापसी आएंगे। फिलहाल तो रॉक ब्रेक पे चले गए ये बोल के कि हॉलीवुड की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई रॉक की जब वापसी होगी ना तब और ज़्यादा तबाही मचेगी। और हो सकता है भाई रॉक रिटर्न के बाद WWE चैम्पियन भी बन जाए अनडिस्प्यूटेड वाले, जो कोडी के पास है अभी टाइटल, क्योंकि इरादा तो भाई ट्रिपल एच का यही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कि WWE यही सोच रहे होंगे कि फिलहाल रॉक को एक ब्रेक देते हैं। और एंड मूवमेंट पर जब हर कोई रॉक के बारे में भूल चुका होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से 6 महीने साल भर के बात की, कि जब सब लोग भूल चुके होंगे कि रॉक आए थे, ऐसा कोई सेगमेंट रेसलमेनिया 40 में हुआ था, और रेसलमेनिया 41 में रॉक रिटर्न आएंगे, ओ भाई साहब कोडी को टाइटल ले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और रोमन ने यार आई थिंक ब्रेक लिया है, या रोमन ने ब्रेक नहीं लिया है भाई, ट्रिपल एच हिंट तो दिया है कि रोमन की स्टोरी लाइन और अच्छी करने वाले हैं वो, तो अब देखो भाई WWE क्या प्लान कर रहा है रोमन के लिए आगे। लेकिन कोडी तो यार मतलब कोडी तो कोडी ही है इस समय भाई, फिनिश स्टोरी कर चुके हैं कोडी अपनी, अब इतनी जल्दी पिनफॉल यार नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि अभी कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है, ये पुराने वाले रॉक है। अच्छा रॉक की स्पीड कुछ कम हो गई मैं देख रहा हूँ, पहले जो स्पीड थी उससे ज़्यादा कुछ कम हो गई है। टेकर सर के पास कोई फिनिशर है ना? इन वाले टेकर सर के पास कोई फिनिशर नहीं है, आई थिंक है शायद से। और भाई एक टेकर सर का स्ट्रैप बचा है, वो भी नीचे हो ही जाएगा जब गेम प्ले आएगा, उनकी बारी आएगी। ये फिनिशर के लिए जा रहे थे, ओ भाई साहब मुँह पर लगती दुलगती जो मुँह पर पड़ती है ना वो, भाई साहब रॉक को दिन में तारे नजर आ गए होंगे, लेकिन रॉक भी भाई कम नहीं है। ओ भाई साहब ये वाली जो है ना, ये छाती पर लात जो पड़ती है, टेकर सर फिनिशर के लिए जा रहे हैं। टोमस्टोन पाइल ड्राइवर ये भी लगेगा क्या? टोमस्टोन पाइल ड्राइवर रिवर्स अभी हो गया रिवर्स हो गया, तो पहले ही लग रहा था भाई मुझे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉक वीक हो चुके हैं, तो रॉक अभी थोड़ा सा वापसी करना, उनका कमबैक करना बनता भी अगर वीडियो में मज़ा आए तो, और मज़ा चाहिए तो भाई टेकर सर फिलहाल तो पीट ही रहे। और स्ट्रैप वाले टेकर सर आ चुके हैं, तो इनकी भी स्ट्रैप उतरनी चाहिए, टेकर सर स्ट्रैप हटा दो फटा। ओ भाई साहब रनिंग किक कह सकते हैं इसको। और ये वाले हॉलीवुड वाले रॉक जो है ना, ये भाई मॉड वाले रॉक है, तो इसको तो मैंने डाउनलोड किया है, और भी अलग अलग शर्ट्स के साथ और भी रॉक हैं, उनको भी डाउनलोड करूँगा भाई, तो एक फाइट करेंगे जिसमें सारे रॉक होंगे अलग अलग शर्टों वाले।
तो भाई वोट करना कैसे करना चाहिए कमेंट करके बताना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो लगता है ना कुछ फनी हो जाएगा भाई और मजा आने वाला। ओ भाई साहब ऊपर से चोक स्लैम, मतलब आज तो टेकर सर गजब फॉर्म में है, आज तो रुकने वाले नहीं है भाई, पिन फॉल होते होते रह गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेकर सर ये भी स्ट्रैप नीचे हो भाई साहब, टेकर सर तीनों टेकर फॉर्म में, ये भाई दिस इज कॉल्ड अंडरटेकर। ओ यार रॉक बॉटम लग गया, आखिरी मूवमेंट पे आके रॉक बॉटम लग गया, थोड़ा सा टशन तब दिखा दे, मार लेते, पिनफॉल मत करवाना, बचा लिया दूसरे वाले ने भाई। मुझे ये तो किकआउट करते ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था किकआउट ना करने वाले, और हॉलीवुड वाले गए थे रॉक उंगली करने और पटके वापस आ रहे हैं भाई। एक और घुसंड, एक और रॉक, ये रिवर्स हो गया रॉक भाई, ये टेकर सर से इतना भी पंगा ठीक नहीं है यार। बैक टू बैक फिनिशर निकालने वाला यार टेकर सर, यार रॉक तुम क्या समझ रहे हो भाई, ये फिनिश। अच्छा डबल टीम अटैक, ठीक है आज तो रॉक को भाई बुरी तरह धुन दिया टेकर सर ने, और फाइट में उतना ही मजा आ रहा। सुपर फिनिशर जो स्टार्टिंग हुई थी ना तो यार गजब थी, मतलब अलग ही मजा आ रहा था। और या कोई बात नहीं क्लोज लाइट टेकर सर, कोई बात नहीं, एक पाइल ड्राइवर के लिए जा रहे थे, नहीं आप नहीं लगा तो आगे लग जाएगा टेकर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक एक ही अंडरटेकर है 03 वाले जिनका बॉडी येलो है, बाकी तो दोनों ठीक सलामत ही है, और रॉक की भाई दोनों की बॉडी येलो, एक का हेड भी येलो है। तो भाई रॉक द बुल थोड़ा मारना पीटना भी चाहिए, थोड़ा जरूरी है, एक का टेकर सर एलिमिनेट होंगे तभी फाइट में मजा आएगा। ये वाले गए ना, अभी तो केवल हेड ही येलो हुआ है, तो अभी तो भाई दिल्ली बहुत दूर है, तो मंजिल भी दूर है अभी हराने के लिए रॉक के लिए, क्योंकि तीनों में से टेकर सर में अभी किसी का कोई ज्यादा खास डैमेज नहीं है। पुराने वाले रॉक उंगली करने गए थे और पिटके वापस आ रहे हैं, घुसंडी घुसंड पड़ रहे हैं भाई। ये स्पिनिंग पावर बॉम्ब में आई थिंक ये सिग्नेचर है, चलो कोई नहीं, ये सिग्नेचर भी काम कर जाएगा भाई। बॉडी येल्लो हेड येल्लो, पिनफॉल नहीं हो पाएगा, रेजिलेंस तो नहीं है लेकिन पिनफॉल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इतना पिटे नहीं है ना। बॉडी ये हेड लाल होता है तो उम्मीद बनती पाइल ड्राइवर के लिए जा रहे हैं टेकर सर। ये लग गया क्या, आई थिंक लग गया भाई, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर भाई साहब। अब हो सकता है पिनफॉल, और हो गया भाई, मैंने बोला ना पाइल ड्राइवर के बाद तो अच्छे अच्छे सुपरस्टार नहीं होते, तो ये क्या। अच्छा कोई बात नहीं टेकर सर जाना नहीं है, शार्प शूटर है ये, कोई बात नहीं टेकर सर जाना नहीं है अभी, हाँ ठीक है हाँ रिवर्स कर दिया, ठीक है ब्रेकआउट हो गया, और ये वाले रॉक अपनी पूरी जान लड़ा देंगे भाई टेकर सर को, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि तीन टेकर है, एक नहीं है तीन टेकर है, और फिनिशर एक ही है, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉक के पास एक फिनिशर है, एक बहुत में बहुत एक को एलिमिनेट कर लेंगे, दो को कर लेंगे, तीन को तो नहीं कर, दो को भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, एक से तो मुझे उम्मीद है कि चलो एक को कर लें, फिलहाल तो वो पूरी अंडरटेकर की टीम को ही पीट रहे है। ये पीछे से जिसने भी मॉड बनाया, पीछे से शर्ट फटी क्यों दिखाई है रॉक की, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई। रॉक इतने बड़े सुपरस्टार गए भाई साहब, हेड येल्लो बॉडी येल्लो, कोई बात नहीं रॉक सर, अभी तो पूरी मैच पड़ी है, और पिनफॉल करवा लोगे क्या, रेजिलेंस गई, ओ बिना रेजिलेंस की किक आउट कर दिया, बढ़िया, मतलब रॉक में अभी काफ़ी जान बाकी है, दो फिनिशर की जान अभी भी बाकी है। बैक टू बैक टैग दिए जा रहे हैं टेकर सर एक दूसरे को, अरे कहाँ कूद रहे हो यार, देख रहे हो रॉक अंदर आ गए फिर भी कूद रहे, चलो कोई बात नहीं टेकर सर, ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है सेनोरिटा। और टेकर सर क्या कर रहे हैं, ये रिवर्स हो गया भाई, डबल रिवर्सल के मूव इतने ज़्यादा लगाओगे, और भाई रॉक ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं लगा रहे हैं रॉक, यहाँ पे तो रॉक बॉटम लगाने की जरूरत है अगर जीतना है तो मुझे लग रहा है रॉक भी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि मैं जीतूंगा, क्योंकि अब चलो ठीक है पीपल्स एल्बो, दूसरे वाले टेकर सर बाहर, ये एलिमिनेट होंगे क्या, आई डोंट थिंक ये एलिमिनेट होंगे अभी, चलो बॉडी लाल हो चुकी है, रेजिलेंस का मीटर नहीं है अभी, और दूसरे वाले ने आके बचा लिया, बढ़िया, मतलब टीम वर्क अंडरटेकर की टीम की तरफ से बहुत बढ़िया हो रहा, तो टेकर सर हेड्स ऑफ टीम वर्क के लिए भी, और तीनों के स्ट्रैप नीचे है तो देखने में मजा आ रहा है। एक और पीपल्स एल्बो, ओ रिवर्स ना हो जाए, आई थिंक रिवर्स हो जाएगी क्या, रिवर्स हो गई भाई, मैंने बोला था ना रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक दो फिनिशर इतनी जल्दी जल्दी मारना,
थोड़ा सा अजीब लगता है, इतनी जल्दी है ना बैक टू बैक दो फिनिशर नहीं लगते। एक और टेकर सर आ चुके हैं, टेकरों की भरमार है यहाँ पे भाई, जितने चाहे उतने टेकर ले लें आप। और रॉक कितना खींचोगे भाई, वाइट को जल्दी हारो यार, तुम्हें पता है तुम्हें हारना ही है। तो भाई जीतना तो है नहीं। ओ भाई साहब नीचे चोक स्लैम, ओ रेसलमेनिया 40 वाला मूवमेंट अगर रिंग में होता तो ज्यादा बढ़िया होता। टेकर सर अंदर आ गए, कोई भाई टेकर सर यहाँ पे लगा दो यार एक चोक स्लैम तो मजा आ जाए, वो रेसलमेनिया 40 वाला मूवमेंट रिक्रिएट हो जाएगा और रेसलमेनिया 40 का ये वाला मूवमेंट था ना। ओ भाई एक और शार्प शूटर, टेकर सर जा सकते हैं कि कौन से वाले आई, ना ये नहीं जाएंगे अभी क्योंकि बॉडी येल्लो ही है और दूसरे वाले ने आके बचा भी लिया है। हाँ बचा लिया। तो रॉक का भाई नसीब ही खराब है आज, क्योंकि बचा भी रहे एक दूसरे को टेकर सर की टीम वाले, तो टीम वर्क अच्छा कर रहे हैं जो भी हो भाई, घर से डिसाइड करके लाए कि एक दूसरे को भाई हेल्प करना। पाइल ड्राइवर लगा, मुझे लगा पाइल ड्राइवर था, ना ना लेग ड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रॉक को तो हारना ही है। रॉक भाई क्यों खींच रहे हो फाइट को जल्दी, हम मुझसे बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा यार, क्या है मेरे पास बोलने के लिए, तुम हार तो चुके हो भाई, फटाफट पिनफॉल कराओ, घर को जाओ यार, मैं भी वीडियो निपटाऊँ। चलो एक और रॉक बॉटम, एक टेकर सर एक भी तो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, मैं क्या कहूँ भाई, रॉक की किस्मत ख़राब है, एक भी तो टेकर एलिमिनेट नहीं हो रहा। एलिमिनेट हो भी कहाँ से, बैक टू बैक अलग अलग तो फिनिशर लग रहे हैं सबको, क्योंकि टैग बहुत दे रही है लोग। ओ भाई साहब तीनों को खींच ले रहा रिंग में, ये रॉक अकेले ने जीत जा भाई, ये देखो दो स्टंट है और दो स्टंट को चो, ओ भाई साहब ये गजब है यार, रॉक भी मतलब अकेले ही जाल लड़ाया पड़ा भाई, लेकिन जीतेगा नहीं यार, तीन तीन टेकर है, जीतेगा कहाँ से बेचारा, नीचे फिनिशर ना लगे बस। तो जीतने की उम्मीद है क्या आप लोगों को, लगता है जीतेगा, मुझे तो नहीं लगता यार जीतेगा, क्योंकि तीन तीन टेकर है यार सामने, तो तीनों को एलिमिनेट करना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है यार। उम्मीद तो देखो हो तो सब पूछ सकता है, पर यार 100 में 10% भी चांस नहीं है कि रॉक जीत जाए, क्योंकि भाई देखो एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ और एक की बॉडी येल्लो है, लाल है, ऑरेंज है, तो ये तीन टेकर सर अभी तक टिके हुए और फिनिशर एक ही है रॉक के पास। रॉक गलती कर दी, रॉक ने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, ये अगर नीचे नहीं जाता तो टेकर नीचे एलिमिनेट हो जाते एक तो कुछ आसानी हो जाती, लेकिन वही बात है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई, तो विनाश नजदीक है रॉक का, तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही भाई। एक रॉक बॉटम और लगती टेकर सर एलिमिनेट 09 वाले भाई, भाई 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 मैच में इंटरेस्टिंग मोड आता हुआ भाई साहब, मज़ा आ रहा एस फिनिश सिग्नेचर, ये स्पाइन बस्टर लगाएंगे रॉक, रॉक स्पाइन बस्टर लगाना था, चलो अब लगा भाई, एक फिनिशर आ चुका, रॉक बेकाल लाइन ले जाए भाई मैच, पिनफॉल भाई, रेजिलेंस है दोनों के पास तो रेजिलेंस ही जाएगी भाई, बिन क्या चक्कर है रेजिलेंस तक की काउंट करना है भाई, रेजिलेंस यूज कर रही थी टेकर सर, क्या कर रहे हैं, जीता जीता मैच हार रहा हूँ भाई। भाई रॉक ने तो कमाल कर दिया, दो दो टेकर एलिमिनेट कर दिए और एक फिनिशर अब भी है, टेकर सर के पास तीन है और बॉडी लाल है वाली टेकर सर की, मतलब आप देखो जो दो टेकर एलिमिनेट हुए उनकी बॉडी लाल नहीं थी, जिसकी लाल है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। ये पाइल ड्राइवर लगा तो टेकर गया, स्पिनिंग पावर होम, चलो चलो कुछ तो लगाए भाई, और रिवर्स भी नहीं है, रॉक टाटा बाबा बोलो यार, रेजिलेंस का मीटर नहीं है तो किकआउट करेंगे क्या, चश्मा तो उतरा ही नहीं है भाई, किकआउट कर दिया और रेजिलेंस भी आ चुकी है, रॉक ने तो कमाल कर दिया भाई, ये नए वाले रॉक में सुसाइड डाइव, टेकर सर पूरी जान लगाते हुए अपनी, टेकर सर बॉडी लाल करो, एक फिनिशर नीचे भी लगा दो, क्योंकि रिंग साइड पर जो फिनिशर लगता है ना उसका डैमेज ज़्यादा आता है, तो टेकर सर एक फिनिशर नीचे भी लगा दो यार, मुझे लग रहा है नीचे एलिमिनेट हो जाएंगे, टेकर से नीचे मत जाना प्लीज भाई, क्यों जा रहे हो नहीं, ओ टेकर सर तो रेड़ मारे पड़े हैं भाई, ओ नीचे फिनिशर लेग ड्रॉप टॉप रोप से, उसके बाद फिनिशर नीचे, एक स्पिनिंग पावर बॉम्ब नीचे भी, टेकर सर ऊपर आ जाना फटाफट से फिनिशर लगा के, अगर ऊपर आ गए, ये क्या हुआ, अच्छा दोनों एलिमिनेट होगा नीचे रिंग के, तब भी टेकर सर जीते हैं क्या, चलो बढ़िया, चलो ठीक है, अपने को क्या दिक्कत है, टेकर सर तो जीते हैं, वो वैसे भी जिस हिसाब से रॉक पिट रहे थे ना
तो टेकर सर जीत जाते, क्योंकि एक तो लेग ड्रॉप पड़ा, ऊपर से हेड ये लाल हो गया था, और फिर एक स्पिनिंग पावर बॉम्ब रिंग के नीचे पड़ा, तो उसके बाद तो टेकर सर जीत ही जाते। तो वीडियो में मजा आया तो मेरे भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।